आप में से काफी बच्चों की ऑलरेडी सीयूटी एग्जाम हो चुकी है एंड आपको आइडिया भी लग गया होगा कि आपके कितने मार्क्स बनने वाले हैं सीयूटी एग्जाम में। एंड काफी बच्चों के डाउट्स मेरे पास आए थे कि भैया हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है अगर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज के कोर्स में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी स्पेसिफिक कॉलेज में जगह बनानी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज थोड़ा बात करेंगे एंड आपको आइडिया लगेगा कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए सो दैट यू कैन मेक योर स्पॉट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जंप ऑन टू टुडेज वीडियो। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए थे यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और वैल्यू एडिंग कॉन्टेंट आपको इसी चैनल पर मिलेगा बिकॉज मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ एंड इस चैनल पर आपको सारी वीडियोज मिलेगी मेरे एक्सपीरियंस के अराउंड और मैंने किस तरीके से अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइफ स्पेंड किया है एंड आप किस तरीके से मैक्सिमम आउटपुट लेके जा सकते हो। जो मैंने गलतियाँ की है वो आप ना करो, वो सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिलेगी। मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब करके जाओ बिकॉज अगर सब्सक्राइब करके नहीं जाओगे तो शायद ही मैं आपको फिर से मिलूंगा। सो लेट्स जंप ऑन टू टुडेज वीडियो। सबसे पहले सेफ स्कोर की बात करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कट ऑफ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके मार्क्स का। ठीक है, तो यार फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सेट ईजी आते हैं, अगर आपके सीयूटी का एग्जाम ईजी आया है तो कट ऑफ ज़्यादा आएगी बिकॉज बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे एंड जब भी एग्जाम डिफिकल्ट आता है तो मार्क्स कम आते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ कम आती है। इस बार अगर बात करें तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की अगर बात करें तो पेपर डिसेंट आया था, मतलब ना बहुत ज़्यादा ईजी ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। ठीक है, तो कॉमर्स का मतलब मॉडरेट के आसपास आया था एंड ह्यूमैनिटीज़ का थोड़ा ईजी आया था, तो कंपैरेटिवली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ हाई जाने वाली है हर साल की तरह। ठीक है, हर साल बहुत हाई जाती है कट ऑफ एंड इस साल भी आपकी कट ऑफ हाई रहने वाली है, मतलब आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे जिसकी वजह से कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा एंड प्रीमियर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, मतलब कि आप स्पेसिफिकली उसी के लिए आए हो, तो यार अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यार आपको 500-450 के आसपास नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको डिसेंट कोर्स में एडमिशन लेना है, डिसेंट कोर्स का मतलब है कि बीए के कुछ कॉम्बिनेशन में भी अगर आप सेटल हो सकते हो, आपकी प्रेफरेंस रहती है कि मैं बीए के किसी भी कॉम्बिनेशन में जा सकता हूँ, तो 450-400 के आसपास आपका स्कोर है तो डेफिनेटली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। बट अगेन अगर आपको ऑनर्स कोर्स करना है, ठीक है, तो फिर आपको 700 प्लस मार्क्स चाहिएंगे अगर ठीक ठाक आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। ठीक है, अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे होंगे, 250-300, 350-400 के आसपास मार्क्स हैं, तो यार अगर 250 से नीचे है फिर तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको ठीक ठाक कोर्स भी मिलेगा एक ठीक ठाक कॉलेज के अंदर। देन आई वुड प्रेफर कि आप एक बैकअप प्लान बना के चलो जहाँ पर आप और कोई यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, अपनी लोकल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, तो एक बैकअप जरूर बना के चलना। अगर आपको ग्रेजुएशन नहीं करनी तो आप प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मेक श्योर कि आप उनको कंसीडर करो एंड सिर्फ एक चीज़ पर फोकस ना रखो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर काफ़ी कम रह जाएगा। दूसरी बड़ी बात, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो किसी स्पेसिफिक, जैसे एससी कैटेगरी होगी, एसटी कैटेगरी होगी या फिर सिख माइनॉरिटी होगी, तो इनके लिए स्पेसिफिक कोटा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ओबीसी हो गया, तो इनकी कट ऑफ कम रहती है। मतलब ओबीसी के अंदर आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता इन कंपैरिजन विद जनरल कैटेगरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जनरल कैटेगरी के 750 पे कट ऑफ आ रही है तो ओबीसी में आपको 740 या 735 पे देखने को मिलेगी, बट एससी और एसटी कैटेगरी ऐसी है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मतलब अगर 750 जनरल कैटेगरी है तो वहीं आपको 700-650 के आसपास एससी एसटी कैटेगरी का एडमिशन होता हुआ दिख रहा होगा फर्स्ट कट ऑफ में। ठीक है, तो इतना ज़्यादा गैप आ जाता है कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, तो जनरल वाले हमेशा पिसते हैं यार, मतलब मैं खुद जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ एंड मेरे भी 2 नंबर की वजह से नॉर्थ कैंपस का कॉलेज रह गया था, तो आई नो दैट पेन कितना, मतलब आप मेहनत भी करते हो फिर आपको एडमिशन भी नहीं मिलता एक प्रीमियर कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो दैट आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट अगेन जो है वो है, आप उसी को फॉलो कर सकते हो जो गाइडलाइंस बनाई हुई है। ठीक है, तो मतलब सेफ स्कोर आपके लिए यही रहेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेज को टच करना है, ठीक है, नॉर्थ कैंपस में जगह बनानी है, तो आप मिनिमम लेके चल लो कि आपको 700-700 नंबर चाहिए ही चाहिए होंगे 800 में से। ठीक है, अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो तो 650 में से अगर आपके मार्क्स एक्सपेक्ट करें या फिर 600 में से मार्क्स एक्सपेक्ट करें तो आप लेके चल सकते हो कि 400-450 के आसपास भी आपके मार्क्स है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जगह बना लोगे। मतलब साइंस की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है क्योंकि डिफिकल्ट आता है पेपर। ठीक है, तो बीएससी के आप ऑनर्स कोर्सेज में जगह बना सकते हो अगर आपके 650 में से 400-450 के आसपास भी नंबर है। ठीक है, बट अगर आप ह्यूमैनिटी से बिलोंग करते हो, अगेन 800 में से मैंने आपको बताया, तो आपको यार 700 अबव नंबर चाहिएंगे अगर आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेज चाहिए कंसिडरिंग आप जनरल कैटेगरी से हो। अगेन अगर आप ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी से हो, सिख माइनॉरिटी से हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हो, तो वो स्पेसिफिक कॉलेज के अंदर कोटाज बने हुए हैं तो वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलेगी,
बट बाकी कॉलेजेस के अंदर जहाँ कोटाज नहीं है, जैसे सिख माइनॉरिटी आपको सिख कॉलेज के अंदर मिलेगा बट बाकी इंडियन कॉलेज में नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर आपको जनरल के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो वो मैंने आपको कट ऑफ बता ही दी, ठीक है। अगर एस सी एस टी कैटेगरी हो तो यार आपको 450, 350, 300 नंबर पे भी एडमिशन देखने को मिल जाता है, तो मतलब वो चीज़ है तो है, ठीक है, कैटेगरीज को बेनिफिट मिलता है। तो वो मिनिमम स्कोर हो गया, मतलब अगर आपके 300, 350 नंबर भी है 700, 800 में से, तो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जगह बना लोगे। और अगर आपको साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस के कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, तो साउथ कैंपस में यू कैन से कि आपके 600, 550 के आसपास भी स्कोर है। 550 बहुत रेयरेस्ट बोल रहा हूँ, मतलब 600, 650 के आसपास स्कोर है, तो आप साउथ कैंपस में जगह बना सकते हो इफ़ यू आर फ्रॉम ए जनरल कैटेगरी। और एस सी एस टी कैटेगरी हो तो आपके 450, 300 नंबर पे भी, 400 नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा साउथ कैंपस के कॉलेज में। और ऑफ कैंपस में अगर आप जाना चाहते हो, मतलब ऑफ कैंपस लास्ट ऑप्शन रखना, ऑफ कैंपस में कुछ कॉलेजेस को छोड़ के, जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, इनको छोड़ के अगर आप बाकी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो फिर आपको एडमिशन मिल सकता है। मतलब जनरल कैटेगरी है तो 500, 450 नंबर पे भी आपको लास्ट कट ऑफ में देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी हो तो आपको 300, 350 नंबर में भी आपको, या फिर 400 नंबर में भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर कट शॉर्ट करके बोलूँ, एस सी एस टी कैटेगरी को ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलती है इन कंपैरिजन में जनरल ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो मिनिमम टू मिनिमम नॉर्थ कैंपस के लिए आपको 700, 750 नंबर चाहिए, साउथ कैंपस के लिए आपको चाहिए मिनिमम टू मिनिमम 550, 650 से लेके 625 के बीच के। और अगर ऑफ कैंपस बिलोंग कर रहे हो तो 500 या 450, 500 मार्क्स है, मतलब 475 या 500 के आसपास स्कोर है, तो आपको ऑफ कैंपस के अंदर भी एडमिशन हो सकता है। अब आप बताओ आपका स्कोर क्या है, एंड लेट्स सी मतलब आपको कितना लग रहा है, कितना स्कोर आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। एंड आपको कौन सा कॉलेज चाहिए और कौन सा कोर्स चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और भी आ जाती है कि कोर्स भी मैटर करता है, ठीक है। अगर आप कॉलेज अच्छा टारगेट कर रहे हो और कोर्स थोड़ा मीडियोकर ले लेते हो, तो वहाँ पर भी आपके नंबर में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको 700 नंबर है और आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए, बट 700 नंबर में नॉर्थ कैंपस में अगर आपको बीकॉम ऑनर्स नहीं मिल रहा, तो यू कैन सेक्रीफाइस दैट कोर्स, बीकॉम प्रोग्राम आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो, जैसे कि बैचलर बीए के अंदर आप कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स ले सकते हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको फिर ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। और कोर्स ओवर कॉलेज या फिर कॉलेज ओवर कोर्स, इस पर एक मैं स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा, तो वेट फॉर दैट वीडियो। एंड उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, बिकॉज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो रहने वाली है एंड आपको भी हेल्प करेगी कि एक राइट डिसीजन लेने में। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो भी डाउट्स है, डेफिनेटली आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। एंड इस वीडियो से अगर हेल्प मिली तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड यू कैन फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ वहाँ पर, तो आप वहाँ पर भी रीच आउट कर सकते हो। बाकी सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन दिस इज शाजन साइनिंग ऑफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUET exams and result as well.